नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लिक ऑडियंस में। और आज हमारे सामने है लॉर्ड एस्प्रेसो का न्यू 2024 वेरिएंट, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़े चेंजेस आए हैं इसके प्राइस के अंदर, थोड़े बहुत फीचर भी चेंज हैं। और इसी के लिए आज हम आ गए हैं मारुति सुजुकी के शोरूम पर। इस कार के बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू हो जाती है सिर्फ 4,27,000 से, और टॉप वेरिएंट की प्राइस हमें पड़ती है सिर्फ 6,00,000 रुपये। यहीं हमें इस कार में सीएनजी का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके बेस वेरिएंट की प्राइस पड़ती है हमें 5,92,000 रुपये। और अगर हम VXI सीएनजी लेते हैं तो हमें उसकी प्राइस पड़ती है 6,12,000 रुपये। तो अभी हमारे सामने इसका VXI सीएनजी वेरिएंट है, जो कि सीएनजी के अंदर टॉप वेरिएंट है, जिसकी प्राइस हमें 6,12,000 रुपये पड़ती है। और आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे और देखेंगे हमें इस प्राइस पॉइंट पर मारुति क्या कुछ ऑफर करती है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे की के साथ में। कुछ इस तरीके की आपको एक की मिलती है, जिसमें आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, लेकिन सेकंड की आपको सिंपल मिलेगी, जिसमें कोई भी सेंटर लॉकिंग आपको नहीं दी जाती है। अब आ जाते हैं कार की तरफ। फ्रंट में आपको हैलोजन सेटअप के साथ में इसके हेडलैम्प्स और इंडिकेटर का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। ग्रिल यहाँ पर आप देखेंगे हार्ड प्लास्टिक में दी गई है, सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर या फिर फोग लैंप की कोई भी प्लेसमेंट आपको नहीं मिलने वाली है। 1520 mm रहने वाली है कार की ओवरऑल विड्थ। और इसी के साथ 180 mm का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे ड्यूअल आपको वाइपर मिलते हैं, सिंगल वॉशर, सीएनजी की बैचिंग। 3565 mm की ओवरऑल लेंथ रहने वाली है। हाइट यहाँ पर है 1567 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस कार में सच में कमाल का दिया गया है, इतना तो आपको कई SUVs में मिलता है जितना इस एक हैचबैक में दिया गया है। फेंडर पर मिल जाती है इंडिकेटर की प्लेसमेंट, साइड मिरर्स कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलता। डोर हैंडल्स ब्लैक कलर में आपको मिलने वाले हैं। फ्यूल कैप, जिसे आप अंदर से ओपन कर सकते हैं। रियर में सस्पेंशन मिलते हैं हमें टोरिजन बीम विद कोइल स्प्रिंग सस्पेंशन। टायर साइज यहाँ पर है 165/70 का, 14 इंच के यहाँ पर रिम मिलते हैं। एलॉय का कोई भी ऑप्शन नहीं है। व्हील कैप आपको कंपनी फिटेड मिलने वाले हैं। सेम टायर सेक्शन फ्रंट में भी है 165/70 का। मैकफर्सन स्टड विद कोइल स्प्रिंग सस्पेंशन फ्रंट में मिलते हैं। रियर में आप देखेंगे MRF टायर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो अब एक बार ओपन कर लेते हैं इसके बूट स्पेस को। अगर यहाँ से आप इसे अनलॉक कर देते हैं तो ये बूट स्पेस अनलॉक नहीं होता, की से आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये है कि आप जाएं फ्रंट में और यहाँ पर लीवर से आप इसे कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। लीवर को पुल करने के बाद में ये ओपन हो जाता है इसका अंडर बूट स्पेस, और यहाँ पर आपको 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। CNG टैंक की प्लेसमेंट यहीं पर है, 55 लीटर की वाटर फिल कैपेसिटी के साथ में आता है इसका CNG टैंक। नीचे रखा हुआ है इसका स्पेयर व्हील, जिसका साइज आपको सेम मिलता है MRF का ट्यूबलेस टायर। सीएनजी के साथ में आपको ये कार कमाल का माइलेज प्रोड्यूस करती है, 35 किलोमीटर पर किलोग्राम का कम से कम माइलेज प्रोड्यूस करती है। ऊपर की तरफ पूरी कवरिंग दी गई है टेल गेट पर। कर देते हैं इसे एक बार बंद और देख लेते हैं रियर प्रोफाइल को। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्पोर्ट लैम्प दिया गया, कोई भी डिफोगर नहीं मिलता। टेल लैम्प्स का सेटअप सभी आपको हैलोजन में ही मिलने वाला है। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे रियर बम्पर पर दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 4 यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। सेंटर में सुजुकी की बैचिंग मिल जाती है, अनलॉक के लिए की प्लेसमेंट, एस्प्रेसो की बैचिंग। ये है इसकी रियर प्रोफाइल। देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर आपको कोई भी एंटीना की प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि एंटीना दिया गया है इसका आगे की तरफ, और वो भी आपको एंटीना मिलता है, शार्प पिन एंटीना यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आपको अगर इसे ओपन करना तो ऐसे पकड़ के कुछ बाहर की तरफ खींच के आप इसे ओपन कर सकते हैं, शार्प पिन नहीं मिलता। चलते हैं अब एक बार कार के इंटीरियर में। सबसे पहले ओपन करेंगे डोर को। ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक हर जगह इस्तेमाल की गई है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, ऊपर डोर हैंडल्स, दो ही स्पीकर आपको कार में मिलने वाले हैं। ORVM को आप इस तरीके से मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं, अच्छी बात है अंदर से ही कर सकते हैं, आपको विंडो को ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कार के इंटीरियर में। तो ये कुछ रहने वाला है इसका डैशबोर्ड, फुली ब्लैक इंटीरियर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हर जगह हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल की गई है। की को प्लेस कर देते हैं उसकी जगह पर। और यहाँ पर देखेंगे तो म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, विंडो के कंट्रोल आपको सेंटर में ही मिलते हैं। मैनुअल AC यहाँ पर दिया गया है, हार्ड प्लास्टिक हर जगह यूज़ की गई है। मीटर सामने की तरफ मिस है। AC वेंट जरूर दिए गए हैं, आपको 4 AC वेंट मिल जाते हैं। मीटर इसका शिफ्ट कर दिया गया है साइड में। और यहाँ पर देखेंगे स्टेयरिंग व्हील को, सेंटर में सुजुकी का लोगो, 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलता है। स्टेयरिंग की यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे हेडलैम्प्स के कंट्रोल इस साइड दिए गए हैं आपको, राइट साइड में इस साइड मिल जाते हैं आपको वाइपर से जुड़े कंट्रोल। सेंटर में म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, छोटी सी स्क्रीन, USB पोर्ट और एक ऑक्स के लिए पोर्ट मिल जाता है। बाकी सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम से जुड़े। फ्यूल वार्निंग और छोटी मोटी वार्निंग यहाँ पर दिखा देता है। कुछ मैनुअल कीज़ भी दिए गए हैं मीडिया को प्ले करने के लिए, FM रेडियो के लिए। सेंटर में हजार्ड के लिए स्विच और साइड विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर मिल जाता है आपको इसका डिजिटल मीटर, आप देख सकते हैं डिजिटल स्पीड शो करता है। छोटी सी MID मिल जाती है, जिसके अंदर ट्रिप मीटर और ओडोमीटर और आपको एवरेज शो कर देता है। इस तरीके से रहने वाली है कुछ इसकी ओपनिंग। अब आ जाते हैं इसकी राइट साइड पर। यहाँ पर स्विच मिलता है आपको इसे CNG और पेट्रोल पर स्विच करने के लिए, थोड़ा सा स्पेस। हेडलाइट की लेबलिंग के लिए नीचे की तरफ दिया गया है इसका एक डायल, और हुड को ओपन करने के लिए यहाँ पर लीवर भी मिल जाता है।
लेग रूम यहाँ पर देखेंगे, इतना कुछ यहाँ पर लेग रूम दिया गया है, इनफ है। इस साइड आपको मैनुअल एसी के सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। नीचे की तरफ एक 12 वाट का सॉकेट जरूर दिया गया है डिवाइस को चार्ज करने के लिए, दो का फोल्डर, थोड़ा सा स्पेस। यहाँ पर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर दिया जाता है। दो एयरबैग हमें कार के अंदर मिलते हैं, ग्लव बॉक्स में डिसेंट साइज का स्पेस मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखेंगे एक बार, IRVM को एज इट इज़ रहने वाले हैं, आपको डे नाइट वाले नहीं मिलते। एक हैलोजन लैंप मिल जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर कोई भी वैनिटी मिरर आपको सनसेट्स पर नहीं देखने के लिए मिलेगा। पैसेंजर साइड भी नहीं और ड्राइवर साइड भी नहीं, कोई ग्रैब हैंडल यहाँ पर नहीं है, लेकिन पैसेंजर साइड जरूर दिया जाता है। अब चलते हैं एक बार इसकी सेकंड रूम और वहाँ देख लेते हैं वहाँ क्या कुछ मिलने वाला है। सीट मैंने एडजस्ट कर दी अपनी हाइट के हिसाब से। कार के अंदर में दो स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं एक बार इसकी सेकंड रूम में, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको मैनुअल विंडो के कंट्रोल मिलने वाले हैं, ये भी आपको इलेक्ट्रिकल नहीं मिलते हैं, हार्ड प्लास्टिक यूज़ की गई है। अंदर का माहौल कुछ इस तरीके का रहने वाला है। एज इट इज़ हेडरेस्ट मिलते हैं, ये भी एडजस्टेबल नहीं मिलते। आ जाते हैं अंदर, नी रूम कुछ इतना मुझे मिलता है, और देखेंगे अंडर थाई सपोर्ट इतना रहने वाला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। सेंटर में थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, हम यहाँ पर दिया गया, थर्ड पैसेंजर को परेशानी होने वाली है यहाँ बैठने पर। कार के अंदर हमें ABS और ABD जैसे शानदार फीचर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, तो कार के अंदर हमें 998cc का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है CNG में 55.92 BHP की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 82.1 न्यूटन मीटर का। पेट्रोल में इसकी पावर बढ़ के हो जाती है 66 PS की, और 89 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है पेट्रोल में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।